बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बंधुओं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, रोजाना पद्म पुराण की कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसने लगती है। बंधुओं, रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है, भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसने लगती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता इन भाव आत्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता और योग वेता हैं, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है, और जो समस्त भूतों और अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल, सूर्य देव को एकाग्र चित से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ, जो नित्य सत स्वरूप अव्यक्त और सबका कारण है। वह ब्रह्म ही महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। यह विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब और जल से घिरा है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि से घिरा है। अहंकार को महतत्व ने घेर रखा है और महतत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। उक्त अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आशय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन आया है। मनवंत्रों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्य ने इसे गंगा द्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण, विशेषतः स्मरण धन, यश, आयु को बढ़ाने वाला और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से यह सोचकर डरता है कि कहीं यह मुझ पर प्रहार ना कर बैठे, अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे। ये विशेष कहलाते हैं। ये पांचों भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं, अतः परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णतया मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ ना हो सके। इसलिए महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। भीष्म जी उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक, देवता, असुर और मनुष्य सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। भूत आदि महत्तत्व से घिरा है तथा इन सब के सहित महत्तत्व भी अव्यक्त के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है, तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समुची सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्वगुण धारण किए रहते हैं, उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तमय प्रधान रुद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं।
इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकार्ण के जल में निमग्न कर वे सर्व रूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्व रूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। कुल सत्य जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं, वास्तव में तो वे नित्य हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है, वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को प्रात कहते हैं, 15 निमेश की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। 1 मास में 2 पक्ष होते हैं, 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायन। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायन उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। नरिपशेष संध्या और संध्या अंश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1,000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।